यह कहानी 1760 की है, जब शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। उनका राज्य दिल्ली के आसपास तक ही सीमित था और वो मराठा सरदार महाजी सिंधिया के संरक्षण में राज करते थे। दिल्ली के पूर्व में रोहिलखंड का राज था, जिसपे रोहिला अफगान नेता जबीता खान राज करते थे। 1772 तक रोहिलों के आक्रामक रवैये की वजह से शाह आलम जबीता खान के खिलाफ हो गए और उन्होंने मराठाओं के साथ मिलकर रोहिलों पर एक बड़ा हमला किया। इस युद्ध में जबीता खान हार गए और वह अपने सिख सहयोगियों के पास भाग गए, लेकिन उनका उत्तराधिकारी और सबसे बड़ा बेटा गुलाम कादिर पकड़ लिया गया। मुगल सेना ने रोहिला सरदारों की महिलाओं का अपमान किया और पुरुष रिश्तेदारों को मार दिया। एक उच्च रैंकिंग वाली मुगल अधिकारी ने युवा गुलाम कादिर को जिंदा छोड़ दिया और उसे शाह आलम के यहाँ नौकर बना दिया। कुछ ही वर्षों में जबीता खान ने मुगल वजीर नजफ खान को फिरौती देकर अपने परिवार को मुक्त करा लिया। रोहिला सरदार जबीता खान की 1785 में मृत्यु हो गई और इसके बाद उनका बेटा गुलाम कादिर रोहिलों का सरदार बना। अगले 2 साल में गुलाम कादिर रोहिला ने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और पूरे रोहिलखंड में अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। रोहिलों के हमले के डर से मुगल बादशाह शाह आलम ने मराठाओं के नेता महादजी सिंधिया को दिल्ली आमंत्रित किया, लेकिन महादजी सिंधिया दिल्ली की रक्षा करने में असमर्थ थे क्योंकि वो उस समय मध्य भारत में भी उलझे हुए थे। जब रोहिलों के सरदार गुलाम कादिर को इस बारे में पता चला तो उसने मुगल सेना पे हमला कर दिया और दिल्ली को घेर लिया। कुछ ही दिनों के भीतर गुलाम कादिर की बड़ी सेना ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। रोहिलों ने अगले 2 महीने तक दिल्ली पर अपना कब्जा बनाए रखा। रोहिलों ने असहाय मुगल बादशाह और उनके परिवार के साथ बहुत बुरा सलूक किया। गुलाम कादिर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए हर पल का इस्तेमाल किया। शाही परिवार को भूखा रखा गया और उन्हें यातनाएं दी गईं ताकि शाही खजाना और महल में छुपा धन दौलत का राज खुल सके। महिलाओं को भयंकर विपत्तियों का सामना करना पड़ा। रोहिलों ने मुगल महिलाओं के महंगे कपड़े और गहनों को भी लूट लिया। गुलाम कादिर व्यक्तिगत रूप से शाह आलम के पास गए और बादशाह को कई यातनाएं दी। बाद में गुलाम कादिर ने बादशाह की आंखें निकालकर उन्हें अंधा कर दिया और एक कलाकार को दृश्य को चित्रित करने के लिए मजबूर भी किया। गुलाम कादिर ने शाही परिवार को इतनी यातनाएं दी कि 2 हफ्ते में शाही परिवार के 21 सदस्यों की मृत्यु हो गई। इसके बाद रोहिलों ने नौकर और नौकरानियों को बहुत यातनाएं दी ताकि वे शाही खजाने का स्थान बता सकें। गुलाम कादिर ने दिल्ली के लाल किले की सभी कीमती वस्तुएं लूट ली। इसके बाद रोहिलों ने शहर के सबसे अमीर निवासियों की हवेलियां भी लूट ली। जल्द ही ये सारी खबरें मुगल बादशाह के सहयोगी महाजी सिंधिया और बेगम सुमरू को पता चली। महाजी सिंधिया ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए मराठाओं की एक छोटी टुकड़ी भेजी। दूसरी तरफ से बादशाह की सहयोगी बेगम सुमरू ने भी अपनी सेना आगे बढ़ाई। मराठा और बेगम सुमरू की सेना देख के गुलाम कादिर लूट के साथ दिल्ली से भाग गया। महाजी सिंधिया ने अपनी मुख्य सेना के साथ दुआब में रोहिलों की सेना पर हमला किया और उन्हें हरा दिया, लेकिन गुलाम कादिर उनकी पकड़ में नहीं आया। इसके बाद अक्टूबर 1788 में मराठाओं ने लाल किले पर फिर अधिकार जमा लिया। इसके 2 दिन बाद मराठाओं ने अलीगढ़ पे भी कब्जा कर लिया। गुलाम कादिर ने मराठाओं को सारा खजाना सौंपने के लिए तैयार था, लेकिन उसके बदले उसे रोहिलखंड का हारे हुई जमीन वापस चाहिए थी। लेकिन कुछ ही दिनों में मराठाओं ने गुलाम कादिर को पकड़ लिया और कैद कर लिया। महादजी सिंधिया ने गुलाम कादिर को मथुरा में अपनी हिरासत में रखा ताकि मराठा लूटा हुआ खजाना को हासिल कर सके। गुलाम कादिर की मां ने महादजी को अपने बेटे को माफ करके उसे छोड़ने को कहा, जिसके बदले वो शाही खजाना देने को तैयार थी। जल्दी यह बात मुगल बादशाह को पता चल गई और उन्होंने महादजी सिंधिया को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गुलाम कादिर को जीवित रखने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस पत्र में मुगल बादशाह ने शपथ भी ली कि अगर महाजी सिंधिया ने जल्द ही गुलाम कादिर को नहीं मारा तो वह तख्त छोड़ देंगे और मक्का चले जाएंगे। इसके बाद महाजी सिंधिया ने गुलाम कादिर को मौत के घाट उतार दिया। जब इस बात की खबर दिल्ली तक पहुंची, तब अंधे बूढ़े असहाय मुगल बादशाह शाह आलम को अपने परिवार के साथ हुए नरसंहार का बदला मिलने की बहुत खुशी हुई। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।